दोस्तों, क्या आपको पता है कि अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को किसी भी बदबू का पता नहीं चलता, वो बदबू को फील ही नहीं कर पाता। आपको शायद रोचक फैक्ट नहीं पता होगा, यानी कि लोग लेफ्टी यानी बाएं हाथ के लोगों की तुलना में एवरेज 9 साल अधिक जीवित रहते हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 2 गुना ज्यादा झपकियां लेती हैं। आप सभी हमारी वीडियो में आपका स्वागत है और हम आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की से जुड़े सारे वो रहस्यमय फैक्ट्स बताएंगे इस वीडियो में, एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी दुखी होते हैं, आप क्या करते हैं जब आपका मूड खराब होता है? आप शायद साइकोलॉजी की स्टडी में पाया गया है कि ज्यादातर लोग जो है स्थिति में चीजों की किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या फिर बस जैसे तैसे अपने अंदर दबा के बैठ जाते हैं और ओवरथिंक करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी का कहना है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं तो फिर अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो 30 से 40 मिनट के लिए बिल्कुल खाली बैठ जाएं, फोन ना चलाएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने बारे में सोचें और अपने अंदर की शांति के बारे में सोचें। आपको अच्छा लगने लगेगा क्योंकि इस स्टेट में आप अपने अंदर झांक कर देख पाएंगे। दोस्तों, इस बात पे आप जान लेंगे कि आजकल के फ्रेंडशिप रिश्ते कैसे शुरू होते हैं और कैसे खत्म हो जाते हैं। छोटी सी बात से शुरू होते हैं और छोटी सी बात पे खत्म हो जाते हैं। आजकल के रिश्ते यानी एक मैसेज या फिर 2 लफ्जों से शुरू हो जाते हैं। और ये गाने शुरू शुरू में तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक चलती रहती है, रोज बात करते हैं, ज्यादातर मिलते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे दिन होने लगते हैं और बातें फिर बन नहीं पाती, प्यार दोस्ती में बदल जाता है, लेकिन वापस फिर वो उससे ऊब जाते हैं, बोर होने लग जाते हैं। जो पहले घंटों हुआ करती थी बातें, अब वो 2 दोस्त में से एक ही की लाइफ में हो चुका होता है और एक नया इंसान और फिर से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो उनके रिश्तों में मन मुटाव आ जाता है और फिर वो किसी और को लाइक करते हैं और फिर से वो साइकिल चलती रहती है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ब्रेकअप, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ब्रेकअप, इस तरीके से आजकल रिश्तों की साइकिल इसी तरह घूम रही है। दोस्तों, अगर आपके मैसेज को सीन करके रिप्लाई ना करे कोई या फिर आपको कोई इग्नोर करे तो आप क्या करते हैं? जो भी हो, अगर आपको कोई 1-2 बार इग्नोर करे तो आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। मैक्सिमम लोग परेशान हो जाते हैं और बार बार मैसेज या फोन करके ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे और उस इंसान ने आपको और इग्नोर किया तो आप पहले से ज्यादा दुखी हो जाएंगे और आपका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान भी कम हो जाएगा। अगला, दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो लोग मेल जोल नहीं करते या फिर लोगों के बीच में नहीं जाते और अकेले रहते हैं, वो एक्चुअल में बुरे या सोसाइटी के अलग थलग होते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी का कहना है कि ऐसे लोग सबसे ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग वाले होते हैं। जिन लोगों को फालतू का ड्रामा करना, फेक स्माइल देना, फेक कॉम्प्लीमेंट देना बिल्कुल पसंद नहीं होता, यानी ये नकली बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इनकी फिलॉसफी होती है कि जैसे हो बिल्कुल वैसे ही शो करना है। नेक्स्ट, दोस्तों, अगर कोई इंसान पॉपुलर नहीं है तो फेम के पीछे ज्यादा भागेगा, और वहीं दूसरी तरफ अगर वो फेमस हो तो फिर वो प्राइवेसी चाहेगा, यानी वो चाहेगा कि ज्यादा लोग उस तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह अगर कोई व्यक्ति सिंगल है तो उसे रिलेशनशिप चाहिए, और कोई रिलेशनशिप में है तो वो सिंगल रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है, और लोग उसी की चीज के पीछे भागते हैं जो उसके पास नहीं है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा वही चीज चाहिए होगी, बेशक उसके लिए मेहनत करो, लेकिन उसे लेकर बिल्कुल ज्यादा सीरियस नहीं होना है और खुशी खुशी रहना है, ना बनाए दोस्तों। ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि आपको किसी भी रिलेशनशिप या इंसान के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपके लायक नहीं होता, यानी वो आपको डिजर्व नहीं करता है, और एक्चुअल में जो आपके लायक होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। तो कभी भी किसी इंसान के लिए इतना पागल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये खुशी खुशी जाने दीजिए, शुरू में मेंटल पेन होगा लेकिन बाद में मेंटल पीस भी मिलेगा। नेक्स्ट, दोस्तों, लड़के लड़कियों की प्रेजेंस पे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जबकि लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के हैं, 1 लड़का है 10 लड़के हैं, लड़कियां जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। यह चीज आपने भी नोटिस की होगी कि जब कुछ लड़के एक जगह ग्रुप में होते हैं और कोई एक लड़की बाहर से एंट्री मारती है तो उनमें से ऑलमोस्ट सब अपने बाल कपड़े सही करने लग जाते हैं, खुद को देखने लग जाते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में लड़की को किसी से फर्क नहीं पड़ता कि इसी तरह कुछ लड़कियां एक जगह पर हो और कोई एक लड़का एंट्री मारे तो लड़के नॉर्मल होती हैं। नेक्स्ट, दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि लड़के
अपने मेल फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा खुले खुले रहते हैं और लड़कों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि लड़कियों के केस में तो बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे लड़के अपने फ्रेंड्स को कभी मजाक में मार भी देते हैं, गाली वगैरह दे देते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसे नहीं करती हैं। लड़कियों में देखा गया है कि ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं होती, एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल रहना ज्यादा पसंद करती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान को आप कितना ही कंफर्ट दे दें लेकिन वो सुखी कभी भी नहीं हो पाएगा, वो उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ ही लेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं होती क्योंकि हमारा माइंड जो है वो 100% संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। एक रिसर्च में पाया गया है कि इस इंसान को चाहे जितना ही रिसोर्सेस क्यों ना दे दो, उसको कितना ही कंफर्ट क्यों ना मिल जाए, उसकी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन 70% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो पाती। यानी हम हर वक्त पूरी तरह से खुश कभी भी नहीं हो सकते। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, लड़के लड़कियों के कंपैरिजन में पैसों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, यही लेटेस्ट स्टडी से पता लगा है। दोस्तों कैसे लगे आपको ये साइकोलॉजिकल फैक्ट जो हमने इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए निकाले हैं और आपको एक वैल्यू ऐड करने के लिए आपको प्रेजेंट किया अपने यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इन वीडियोज़ को और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सा फैक्ट आपको एकदम जेन्युइन और सही लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।